बॉलीवुड में 60 और 70 की एक ट्रेस से इसकी बात करें तो नाजिमा का नाम बरबस ही सामने आ जाता है। वैसे तो नाजिमा को फिल्मों में सपोर्टिंग रोल के लिए ही जाना जाता है, लेकिन उनके नाम एक और रिकॉर्ड है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। नाजिमा बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों में रेप सीन किए हैं। उन्हें फिल्म बेईमान के लिए 1972 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में फिल्म एयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। नाजिमा ने बेहद कम उम्र में ही काफी कुछ हासिल कर लिया था। महज 22 साल की उम्र में ही वो उस दौर की हीरोइंस की नजरों में खटकने लगी थी। अपने छोटे से करियर में ही उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 27 साल की उम्र में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझते हुए 1975 में उनकी मौत हो गई थी। नाजिमा के इनोसेंट लुक की वजह से उन्हें कई फिल्मों में हीरो या हीरोइन की छोटी बहन का किरदार निभाने का मौका मिलता था। यहाँ तक कि वो उस दौर में बॉलीवुड की बहन के नाम से फेमस हो गई थी। बतौर लीड हीरोइन नाजिमा ने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वे थी 1975 में रिलीज हुई दया रे मदीना।